अलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको आपके घरों में खुश आबाद रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ ये ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हलवा हमने कैसे बनाया उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे एक प्याली सूजी, ये हम पैन में डालेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फिर हमने भून लेना थोड़ा सा 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसको आपने चलाते रहना है क्योंकि ये फौरन से जल जाएगी नहीं चलाएंगे तो। तो फ्रेंड्स, सूजी को हमने रोस्ट कर लिया। अब हम इसे वापस एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 कप ऑयल डाल देंगे, आप घी में भी बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ नट्स ले लिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी नट्स ले सकते हैं। अब हम इसे गरम तेल में डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएंगे। इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे और वापस निकाल लेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसी गरम ऑयल में 3 अदद इलायचियाँ डालेंगे तोड़ के, और ये हमारे पास 1 कप चीनी है। तकरीबन 9 से 10 टेबल स्पून के करीब हमने चीनी ली है, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे और इसकी अच्छी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। और चम्मच आप चलाते रहेंगे यहाँ। तो ये देखिए, चीनी हमारी जो है वो मेल्ट होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर लेना सबसे पहले। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। जिस प्याली या कप से इसमें सूजी शामिल की है उसी कप से आपने इसमें पानी शामिल कर लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम इसमें तकरीबन 2 प्याली पानी शामिल करेंगे। अब इसमें और इसको ऐसे ऐसे अच्छे से तेज तेज हम मिक्स करते रहेंगे और इसे फ्रेंड्स तेज तेज हम हिलाते रहेंगे, ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इसे आपने लो फ्लेम पे ही अच्छे से कुक करना है। ये देखिए कैसे ये मुलायम होता जा रहा है बहुत ही अच्छे से, और ये पैन को भी छोड़ता जा रहा है। लेकिन इसे अभी हमने और भी पकाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भूनते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे भून लिया। तो अब हम इसमें ये नट्स शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए जनाब, हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत टेस्टी और यमी बना है। आप लोग भी इसे बनाएं और इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।